तस्वीरों को ध्यान से देखिए, यह तस्वीरें चमकती हुई मुंबई में बसे स्लम एरिया की हैं। इन झुग्गियों में कई लाखों परिवार रहते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो घुटन भरी जिंदगी जीते हैं और जो उनकी अब मजबूरी बन चुकी है। यह तस्वीरें चमकती हुई मुंबई पर चांद पर दाग जैसी दिखाई देती है। वहीं उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद गोपाल शेट्टी मुंबई में बसे इन स्लम एरिया का एसआरए परियोजना के तहत विकास करवाना चाहते हैं। इन झुग्गियों का पुनर्वास कर झुग्गियों में रहने वाले लाखों परिवारों को उनके हक का पक्का घर दिलाना चाहते हैं। इसके लिए सांसद गोपाल शेट्टी काफी वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं ताकि कभी नहीं सोने वाली और सभी का पेट भरने वाली मुंबई के चमक में चार चांद लग सके और मुंबई झुग्गियों से मुक्त हो सके और उन झुग्गियों में रहने वाले लाखों परिवार घुटन भरी जिंदगी से बाहर निकलकर बनने वाली बिल्डिंगों में अपने परिवार के साथ एक अच्छी जिंदगी जी सके। लेकिन मुंबई के इन झुग्गियों के पुनर्वास में कई नेता विधायक रोड़ा अटकाए बैठे हैं, जिसके कारण झुग्गियों का पुनर्वास अधर में लटका पड़ा है। इसारे परियोजना को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने के लिए सांसद गोपाल शेट्टी ने सूबे के मुख्यमंत्री को कई पत्र भी लिखा है, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण उसका फायदा होता हुआ कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं इसे लेकर केशव भूमि ने सांसद गोपाल शेट्टी जी से खास बातचीत की। इसे लेकर उनका क्या कहना है आप खुद ही सुन लीजिए। और इसे लेकर आप काफी सक्रिय भी हैं और काफी प्रयास भी कर रहे हैं, उसपे आपको काफी हद तक सफलता भी मिली है, तो इसे लेकर क्या कहेंगे और कब तक प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं? सफलता वैसे बहुत नहीं मिली है, लेकिन जागरूकता जरूर आई है, क्योंकि मैं बहुत स्पष्ट वक्ता हूँ। मुझे कोई अनावश्यक क्रेडिट देता होगा तो भी लेने का मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन जागरूकता जरूर आई है। और सफलता न मिलने का कारण पॉलिटिकल विल ना होना, ये भी एक है। रूलिंग पार्टी में भी नहीं है और विपक्ष में भी जितना होना चाहिए उतना नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में नहीं है विपक्ष, यानी क्या होगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जितना जागरूक होगा, जैसे देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के विधानसभा में हर बार कोई ना कोई मुद्दा उठाकर रूलिंग पार्टी को कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं, वैसे जो चुने हुए MLA होते हैं विधानसभाओं में, वो अपने अपने परिसर के विषयों को लेकर जागरूकता होना चाहिए। टोटलिटी में पूरे मुंबई के विषय को लेकर सारे मुंबई के MLAs ने आवाज़ उठानी चाहिए। दुर्भाग्य से मुंबई शहर का आधी आबादी झोपड़पट्टी में रहने के बावजूद भी बहुत कम महाराष्ट्र के विधानसभा में आवाज़ उठता है। SRA की जो अथॉरिटी है बांद्रा में, वहाँ पर भी बहुत कम आंदोलन वगैरह होते हैं, कोई डेलीगेशन जाकर मिला, ऐसा बहुत कम सुनने के लिए मिलता है। जो भी विधायक है, सांसद है, उनके पहचान वाले डेवलपर है, उनके अगर काम रुके होंगे तो उनके लिए मिलने के लिए जाते हैं, उसी में वो समाधान मानते हैं। लेकिन टोटलिटी में स्लम फ्री मुंबई होना चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने हर विधानसभा में, जैसे किसानों के मुद्दे को लेकर हर विधानसभा में आवाज़ उठती है, उठना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में मुंबई के विधायकों ने स्लम के बारे में आवाज़ उठानी चाहिए, जो उठता दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं बचपन से ही इस झोपड़पट्टी के विषय को लेकर ही पॉलिटिक्स में आया और मेरी आज भी उसी विषय पर रुचि है, तो मैं कर रहा हूँ काम। और मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, सरकार माने या ना माने, अभी मैंने कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया है, अब जून में जैसे ही कोर्ट खुलेगा तो बोर्ड में आने के बाद में उसकी सुनवाई होगी, और जो जो मुद्दे मैंने उठाए हैं वो सारे मुद्दों को न्याय देने का मैं काम करूँगा। दुर्भाग्य इस देश का है कि सरकार ने नियम बनाने के बाद में, मोदी जी ने सबको हक्का पक्का घर मिलना चाहिए ये घोषणा करने के बावजूद, देवेंद्र फडणवीस जी ने कानून बनाया, 15 लाख से अधिक का परिवार आज भी झोपड़पट्टी में रहते हैं, गवर्नमेंट के पास लिस्ट है, रिकॉर्ड है, लेकिन एक फोटो पास देने का काम नहीं कर रहे सरकार के लोग। उसके पीछे का मकसद ये है कि पात्र करने में बड़े पैमाने पे लोगों को, ऑफिसरों को पैसा मिलता है, अगर फोटो पास दिया तो वही पात्रता का निशानी हो जाता है, इसलिए वो नहीं कर रहे। ये अच्छी बात है कि आप जैसे मीडिया के लोग बार बार मेरा इंटरव्यू लेकर इसको पब्लिक डोमेन में लेके जाने का प्रयास करते हैं, यानी कितना अंधाधुंध और भ्रष्टाचार मेरे अपने राजनीतिक जीवन के 30 साल में मैंने कभी भी देखा नहीं, जो इन दिनों में मुझे देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन लड़ना पड़ेगा, मैं लड़ रहा हूँ। आपने देखा शेट्टी साहब का कहना था कि जो ऐसा के तहत जो स्लम एरिया है वहाँ पे हर किसी को पक्का घर मिलना चाहिए और उसके लिए वो काफ़ी सालों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस प्रयास में या इस अच्छे काम में कई जो राजनीतिक नेता हैं, विधायक हैं, वो रोड़ा डाल रहे हैं, जिसके लिए इन्हें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा है। वहीं अधिकारियों की तानाशाही रवैये ने भी इस योजना पर पानी फेर दिया है। अधिकारी इस योजना पर काम करने के बजाय एक बोर्ड लगाकर लोगों को कानून का डर दिखाकर उन्हें डरा रहे हैं।
ताकि न अधिकारियों के पास या उनके ऑफिसों में कोई ना आए। इसे लेकर उनका क्या कहना है आप खुद ही सुन लीजिए। मैं और एक बात बताना चाहूंगा, ऐसे ऑफिसरों का हिम्मत देखो कितना बढ़ गया है। और ऑफिसरों का हिम्मत कब बढ़ता है, पॉलिटिशियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जब पंगू हो जाता है तब ये ऑफिसरों का दबदबा कहिए या तो रुबाब बढ़ जाता है। अब ये एसआरए के पास उन्होंने एक बोर्ड लगाया है, ये बोर्ड क्या कहता है मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और उसके बारे में मैं मेरा जो मत है वो भी बताने का प्रयास करूंगा। ये एसआरए में बोर्ड लगाया सरकारी कामत अड़थले अन्य, उसका 2 साल का सजा है कानून में, वो वहाँ पर लिखते हैं। अब सरकार के अधिकारी काम नहीं करेंगे तो लोग जाकर वहाँ पर अड़थला तो निर्माण करेंगे ना। मैं तो कहूँगा कि एसआरए के ऑफिसर ने बोर्ड इस प्रकार का लगाना चाहिए कि नियमावली बनी है, आपका पात्र इतना दिन में नहीं होता आप हमको बताइए, हम ऑफिसरों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। और ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई करने के बाद में भी सुधरता नहीं है तो मंत्री है उसने सीओ एसआरए के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, इनका हिम्मत कैसे होता है। मैं ये कहूँगा कि अड़थला लाना ही चाहिए, एक सांसद के नाते मैं वहाँ पर जाकर अभी अड़थला निर्माण करने वाला हूँ। सरकारी कर्मचारियों से बात कर लें, मतलब उनके साथ में आप कोई झंझट करेंगे तो फिर 2 साल का सजा का वो बात करते हैं। तीसरा वो कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी अपशब्द वापरने, मैं मानता हूँ कि अपशब्द कोई वापरता होगा तो बहुत छोटा है, अपशब्द से बड़ा अभी कुछ करने का समय आ गया है, अपशब्द से बड़ा करने का समय आ गया है। क्योंकि आप काम ही नहीं करते हो तो लोग कितना, 35 साल में आपने 2,80,000 लोगों को कर दिया साहब, 35 साल में, और आज मुंबई में 15 लाख से ज़्यादा परिवार झोपड़पट्टी में रहते हैं। यानी ये स्पीड में अगर हम काम करेंगे तो 80-90-100 साल लगेंगे मुंबई में से झोपड़पट्टी निकालने के लिए, नए बनेंगे वो तो बात अलग है। तो इनको भी अपशब्द वापरना चाहिए या तो फिर इसके आगे क्या करना चाहिए उसका भी लोगों ने थोड़ा ध्यान में लेने की आवश्यकता है। अपशब्द वापरने के लिए कितना सजा है, 504 के तहत उसका भी 2 साल सजा है। आगे वो लिखते हैं कि सरकारी कर्मचारी धमकी देने, अब काम नहीं करेगा तो धमकी देंगे, धमकी किस प्रकार का देंगे, हम एमएलए को बोलेंगे, हम एमपी को बोलेंगे, हम मंत्री को बोलेंगे, हम सरकार को बोलेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे। अब ये क्या धमकी हो गया, आप काम नहीं करेंगे धमकी नहीं देंगे, तो उसका 3 साल का सजा ये उन्होंने बोर्ड में लगाया है। आगे वो लिखते हैं कि सरकारी कर्मचारी मारण करने, सरकारी कर्मचारी को अगर आप मारते हो तो उसके लिए 3 से 10 साल की सजा है। मैं मानता हूँ कि मारपीट नहीं होना चाहिए, मेरा पार्टी का भी ये धोरण है और मेरा व्यक्तिगत भी धोरण है। आपको लोकशाही में जो बोलने की आवाज़ है, धरना करो, आंदोलन करो, बाकी सब करो, लेकिन कर्मचारियों को मारना नहीं चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूँ। उसका 10 साल का सजा और बढ़ाना हो तो बढ़ाओ, उसमें भी जब भी बिल आएगा तब हम लोग सोचेंगे, तो मैं इसके समर्थन में हूँ। आगे वो लिखते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को खंडनी से मांगनी करनी, अब सरकारी कर्मचारी से खंडनी, अब किसी व्यक्ति को मालूम पड़ेगा कि ये किसी बिल्डर से 10 लाख रुपए लिया है और उसमें सो कहे 2 लाख रुपए मुझे दे दें तो मैं भूमा भूम करूंगा, ये खंडनीय नहीं है, ये खंडनीय है। आपसे खंडनीय कैसा कोई लेगा, आप खंडनीय लेते हो बिल्डर से इसलिए आपके पास से कोई लेता है, आरटीआई एक्टिविस्ट लोग लेते होंगे इसलिए उन्होंने ये इसका भी कायदा बनाया है, ये वो कहते हैं। मैं कहता हूँ कि विधायक और सांसदों ने मिलकर जो बिल्डर के पास से ये लोग खंडनी लेते हैं, कोई बिल्डर आकर बताएगा कि भाई इसने खंडनी हमसे लिया है तो उसको तुरंत जेल में डालकर जो भी सजा का प्रोविजन है वो देना चाहिए। कार्यालय जबरदस्ती प्रवेश करने, अभी कार्यालय जबरदस्ती प्रवेश करने क्या होगा, लोकशाही है, आपने उधर बोर्ड लगा के रखा है कभी ऑफिसरों को मिलने का टाइम, तो वो टाइम पे हो जाएंगे, वो टाइम के अलावा भी कोई गए, अब वो टाइम आप लिखते हो वहाँ पर आप मिलते नहीं हो, साहब मीटिंग में गए, साहब आज आए नहीं है, साहब छुट्टी पे है, तो लोगों को तो जाना है ना, मतलब ये क्या आप कर रहे हो, कार्यालय जबरदस्ती प्रवेश करने, उसके लिए वापस 2 साल की सजा है उन्होंने लिखा है। सरकारी मालमत्ता से नुकसान पहुंचाने, मैं इसका समर्थन करता हूँ, सरकारी मालमत्ता या हमारी मालमत्ता है, राष्ट्रीय संपत्ति है, हमारी संपत्ति है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आगे लिखते हैं सरकारी दस्तावेज चोरी करने वो नहीं करना चाहिए, उसका सजा लगा लो कोई प्रॉब्लम नहीं। सरकारी दस्तावेज नुकसान पहुँचाने ये भी नहीं करना चाहिए। अनधिकृत जमाव गोला करने, ये लोकशाही ने दिया हुआ फंडामेंटल राइट है, किसी ऑफिस के सामने पब्लिक ने जमा होना अपनी मांग को लेकर, ये कायदा ने घटना ने दिया हुआ अधिकार है, आप कैसे इसके बारे में ये कर सकते हो, तो इसका भी मैं विरोध करता हूँ। सरकारी कार्यालय गोंदल करने, अब गोंदल आप काम नहीं करोगे तो गोंदल डालेंगे, अच्छा है कि गोंदल कर रहे उसके आगे पब्लिक कुछ कर रही है, अभी पब्लिक की सहनशीलता खत्म हो गई है, देश के प्रधानमंत्री निःशुल्क घर देने की बात कर रहे हैं, एसआरए में 1 रुपया गवर्नमेंट को खर्चा करे भी कर लोगों को घर मिलता है, लेकिन आप काम नहीं कर रहे हो ऑफिसर लोग। मैं मेरा इसका बोर्ड के प्रति उत्तर का एक बोर्ड वहां पर लगाने वाला हूं जानकारी के लिए, कैसा कोई ऑफिसर इतना हिम्मत करता है इस प्रकार का लोगों को धमकाने का, यानी आप
लोगों को लोकशाही में उसके अधिकार से वंचित रखना चाहते हो, आपके ऑफिसर में कोई आए नहीं, इस प्रकार का डरने का प्रयास करते हो। मैं चिट्ठी लिखूंगा, 2 दिन में 4 दिन में अगर ये बोर्ड वहां पर से नहीं निकला तो फिर मेरा बोर्ड दूसरा वहां पर लगेगा। और ये जितने बातों का उन्होंने 2-2 साल 3-3 साल का सजा का उल्लेख किया है, ये सारे नियमों को मैं तोड़ूंगा। देखते हैं सरकार में कितना दम है मुझे पकड़ के जेल में डालने का और सजा देने के लिए। सर, आपको लगता है कि एसआर के जो अधिकारी हैं वो काम करना नहीं चाहते और कानूनी डर दिखाकर और लोगों को डराना चाहते हैं? निश्चित है, ये बोर्ड का मतलब क्या होता है? ये बोर्ड का मतलब ये होता है, एक तो काम आप नहीं कर रहे हो और आप लोगों को डरा रहे हो बोर्ड लगाकर 2-3 साल का सजा। और इन दिनों में न्यायालय में फैसला नहीं होता। मैं अपनी भावना व्यक्त करता हूँ, और मुझे अधिकार दिया है लोकशाही ने, पब्लिक ने मुझे पार्लियामेंट में भेजा है, मैं लॉ मेकिंग बॉडी में काम कर रहा हूँ। 15-15, 20-20 साल कोर्ट में केसेस का फैसला नहीं होता है, इसलिए अधिकारी लोगों का ये भ्रष्टाचार का दरवाजा खुल गया है। आप फटाफट क्लियर करो, केस भर्ती करना है जो भी है, जजेस लोगों ने भी इसके बारे में बोलना चाहिए सरकार को, भर्ती करो। आपने टाइम बाउंड न्यायालय में अगर इस प्रकार का धांधली होगा और देरी से सारे निर्णय होंगे तो कैसा चलेगा? सारे सिस्टम को मैं मानता हूं कि कोलैप्स होने का, ये पॉलिटिशियन लोगों के बारे में भी, ऑफिसर ब्यूरोक्रेट्स अगर सही काम नहीं करते हैं और सही काम नहीं करते इसलिए लोग न्यायालय में जाते हैं और न्यायालय में निर्णय नहीं होता है 15-15 साल। तो सबसे स्टार्टिंग तो मुझे लगता है कि यहां से हमको करना पड़ेगा, सारे सिस्टम को ठीक ठाक करने का एकदम मुकुट न्यायालय है। और मैं चाहूंगा कि न्यायालय को जो भी चीज चाहिए, जितना भी मैन पावर चाहिए, जितनी उनकी सुविधा चाहिए, वो सब हमने देना चाहिए। बैंड्रा में एक न्यायालय के जगह पास हुआ है, पैसा पास हुआ है, वो काम नहीं हो रहा है, तो मैंने पार्लियामेंट में आवाज उठाया, न्यायालय बनना चाहिए। इसलिए न्यायाधीशों को जो भी सुविधा चाहिए वो सारा हमने देना चाहिए, लेकिन न्यायालय में फटाफट सारे मुद्दों का, सारे केसों का निपटारा होना चाहिए, तो 50% भ्रष्टाचार ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा कुछ किए बगैर। आज न्यायालय का धीमा गति के वजह से सारे सिस्टम बिगड़ गए हैं। ये पुलिस लोग अनाप शनाप गलत झूठे इल्जाम में लोगों को फंसाकर जेल में डाल रहे हैं, उनको मालूम है कि 10 साल के बिगड़ छूटने वाला नहीं, 5 साल के बिगड़ छूटने वाला नहीं है, फिर लोग पैसा देकर पुलिस लोगों को सेटलमेंट करते हैं। ये स्थिति आज की वास्तविकता है। अब ये वास्तविकता एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते मैं देखता हूं, मैं महसूस करता हूं, लोग मुझे आकर कहते हैं, अगर फिर भी मैं मीडिया के सामने अगर बात को नहीं लाऊंगा तो मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं। उससे मैंने अपनी बात को बताई, आपको अभी जितना समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना है पहुँचाने का प्रयास करिए। आपने देखा कि ये सिटी साहब थे, इनका कहना था कि एसआर के अधिकारी अगर नहीं सुधरते हैं तो आने वाले समय में, या ये बोर्ड नहीं निकलते तो आने वाले समय में इनके सारे नियमों को मैं तोड़ूंगा और इसके उत्तर में बोर्ड लगाऊंगा। और रही न्यायालय की बात, तो न्यायालय का और जल्दी को सुविधाएं मिलनी चाहिए, नए न्यायालय बनने चाहिए ताकि जल्द से जल्द लोगों को न्याय मिले। संजय सिंह, मुंबई। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।